नमस्कार। बॉलीवुड के जाने माने एक्टर मिलिंद सोमन को चर्चा में रहना बखूबी आता है। कभी जनाब अपनी से कई साल छोटी लड़की से शादी कर लेते हैं तो कभी बीच पर न्यूड दौड़ पड़ते हैं। अब मिलिंद सोमन ने अपने ट्विटर पर दो ट्वीट साझा किए हैं जिसमें उन्होंने विकिपीडिया की कई बड़ी गलतियां पकड़ी हैं। इसी के साथ मिलिंद ने सवाल दागा है कि क्या विकिपीडिया को किसी ने हैक कर लिया है। एक्टर के इन ट्वीट्स पर उनकी पत्नी अंकिता ने भी कमेंट कर मजे लिए हैं। दरअसल मिलिंद ने ट्विटर पर विकिपीडिया को लेकर जो स्क्रीनशॉट साझा किए हैं उसमें उनकी बर्थ डेट का जिक्र है। दिलचस्प बात यह है कि इन स्क्रीनशॉट्स में मिलिंद के जन्मदिन की दो अलग अलग तारीखों का जिक्र है। हैरानी की बात यह है कि एक तारीख में मिलिंद की बर्थ डेट पिछले साल 4 नवंबर की है तो दूसरी डेट 28 जुलाई 2020 की। इसी को शेयर करते हुए मिलिंद ने लिखा, क्या किसी ने विकिपीडिया हैक कर लिया है? इसमें कहा गया है कि मैं पिछले साल दो अलग अलग डेट्स पर पैदा हुआ। इसके बाद मिलिंद ने विकिपीडिया की दूसरी गलती को पकड़ा और ट्वीट किया। इन्फॉर्मेशन पर सर्कल बनाते हुए मिलिंद ने पूछा, हाँ मैं दौड़ा और वो तस्वीर मेरे इंस्टाग्राम पेज पर है भी, लेकिन केस दर्ज? दरअसल मिलिंद ने ये बताने की कोशिश की है कि न्यूड होकर वो बीच पर दौड़े जरूर थे लेकिन उनके खिलाफ केस वाली जानकारी गलत है। पति मिलिंद के इस तरह के ट्वीट और विकिपीडिया की गलती पर अंकिता ने भी मजे लिए। अंकिता ने लिखा, हा हा हा, जब न्यूज चैनल्स कुछ वेरीफाई नहीं करते तो विकिपीडिया क्यों परवाह करे। विकी के हिसाब से मैं इस साल 20 की होंगी। मिलिंद के ट्वीट्स और उस पर उनकी पत्नी का रिएक्शन तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया यूजर्स भी मिलिंद के इस पोस्ट पर मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं। वैसे इस पूरे मामले पर फिलहाल विकिपीडिया ने कोई सफाई नहीं दी है। हालांकि अगर आप अब विकिपीडिया पर मिलिंद सोमन को सर्च करेंगे तो आपको सही इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही है। खैर, मिलिंद द्वारा शेयर की गई इस जानकारी और इन ट्वीट्स पर आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर।